नमस्कार साथियों, एमपी जीके में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश में प्रथम व एकमात्र ऐसे संस्थान, विश्वविद्यालय या विद्युत केंद्र जिन्हें मध्य प्रदेश में सबसे पहले स्थापित किया गया था, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अस्तो मां सदगमय। हमारा प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को और कब मध्य प्रदेश का पहला खुले में शौच मुक्त जिला घोषित किया? तो 9 मार्च 2017 को नरसिंहपुर जिले को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश का पहला खुले में शौच मुक्त जिला घोषित किया। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने किस गांव को प्रदेश का पहला डिजिटल गांव घोषित किया? तो भोपाल के निकट बरझिड़ी गाँव को वित्त मंत्री जी ने पहला डिजिटल गाँव घोषित किया। प्रदेश का पहला जल पर्यटन स्थल कौन सा है और कहाँ विकसित किया गया है? तो कौन सा है, तो हनुवंतिया टापू है, और कहाँ विकसित किया गया है, तो इसे खंडवा में विकसित किया गया है। प्रदेश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो उज्जैन में पहला संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? अब यहाँ पर हमसे विश्वविद्यालय की बात की गई है, तो प्रथम विश्वविद्यालय है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कहाँ विकसित किया गया है? ग्वालियर में एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय विकसित किया गया है। प्रदेश का प्रथम पेपरलेस कार्यालय कौन सा है? तो बालाघाट जनसंपर्क कार्यालय प्रदेश का प्रथम पेपरलेस कार्यालय है। ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए प्रदेश का पहला राज्य संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो भोपाल में पहला राज्य संग्रहालय स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो पचमढ़ी में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है। नर्मदा नदी पर बनने वाला प्रदेश का एकमात्र जलप्रपात कौन सा है जो संगमरमर की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है? प्रदेश में ऐसे तो कई जलप्रपात हैं, पर यहाँ हमसे पूछा गया ऐसा जलप्रपात जो संगमरमर की चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, तो वो है धुआंधार जलप्रपात। मध्य प्रदेश का प्रथम जल विद्युत केंद्र कौन सा है? तो प्रथम जल विद्युत केंद्र गांधी सागर विद्युत केंद्र है। मध्य प्रदेश का पहला महिला पुलिस थाना कहाँ स्थापित किया गया है? भोपाल में पहला महिला पुलिस थाना स्थापित किया गया है। प्रदेश का एकमात्र उद्यान कौन सा है जहाँ हवाई पट्टी है? तो राष्ट्रीय प्रदेश के उद्यान की बात करें तो एकमात्र ऐसा उद्यान है जहाँ हवाई पट्टी है, वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का पहला पुलिस मेट्रो थाना कहाँ स्थापित किया गया है? हबीबगंज भोपाल में पहला पुलिस मेट्रो थाना स्थापित किया गया है। प्रदेश का पहला सेलरिच जैविक खाद संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भोपाल में पहला सेलरिच जैविक खाद संयंत्र स्थापित किया गया है। प्रदेश का पहला आयकर हेल्प सेंटर कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो इंदौर में पहला आयकर हेल्प सेंटर प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ किया गया था। प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था? वो पहला समाचार पत्र था ग्वालियर अखबार। मध्य प्रदेश का हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है हिंदी में प्रकाशित होने वाला, तो वो है मालवा अखबार। राज्य का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है? और बुरहानपुर में एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय है। प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सालय कहाँ है? तो इंदौर में एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सालय है। प्रथम टीवी स्टूडियो कहाँ स्थापित किया गया? भोपाल में
पहला टीवी स्टूडियो स्थापित किया गया। प्रदेश का पहला नगर निगम कहाँ है? तो प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर में है, और ये कब तैयार किया गया? तो 1864 में। प्रदेश की पहली नगर पालिका कहाँ है? वो दतिया में प्रदेश की पहली नगर पालिका है, और ये कब बनाई गई? तो 1907 में। प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा कहाँ पाया जाता है? अब यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। एक तो हमें ये भी पता चल रहा है कि प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा बारहसिंगा। और अब पूछा गया है प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा कहाँ पाया जाता है, तो एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा कान्हा, वहाँ राजकीय पशु बारहसिंगा पाया जाता है। प्रदेश की पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इंदौर में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश का एकमात्र हॉकी छात्रावास कहाँ है? वो नरसिंहपुर में एकमात्र हॉकी छात्रावास है। प्रदेश का प्रथम साग सब्जी प्रक्रिया केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो खरगोन जिले में प्रथम साग सब्जी प्रक्रिया केंद्र स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ है? तो पचमढ़ी में मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। प्रदेश की एकमात्र बैंक नोट प्रेस कहाँ है? तो देवास में प्रदेश की एकमात्र बैंक नोट प्रेस है। प्रदेश की ऋतु संबंधी आंकड़े बताने वाली एकमात्र वेधशाला कहाँ है? तो ऋतु संबंधी आंकड़े बताने वाली वेधशाला इंदौर में है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हॉकी छात्रावास कहाँ है? तो नरसिंहपुर में एकमात्र हॉकी छात्रावास है। मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क कहाँ है? वो पन्ना में मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क है। मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ है? तो बैतूल में मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना है। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर कहाँ है? शिवपुरी में प्रथम पर्यटक नगर है। मध्य प्रदेश के किस नगर में प्रदेश का पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र स्थापित किया गया है? तो इंदौर नगर में प्रदेश का पहला भूमिगत उपग्रह केंद्र स्थापित किया गया है। प्रदेश का पहला जेंडर आधारित बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 2007-08 में पहला जेंडर आधारित बजट प्रस्तुत किया गया। मध्य प्रदेश की प्रथम DNA प्रयोगशाला कब और कहाँ स्थापित की गई? तो 26 जनवरी 2006 को सागर में स्थापित की गई। प्रदेश का पहला संजीवनी आयुर्वेद विक्रय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला संजीवनी आयुर्वेद विक्रय केंद्र भोपाल में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का पहला सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ग्वालियर में पहला सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। प्रदेश का एकमात्र जड़ी बूटी बैंक पर्यटक नगरी पचमढ़ी के किस क्षेत्र में स्थापित की गई? तो यह पचमढ़ी के पनारपानी क्षेत्र में स्थापित की गई। मध्य प्रदेश का पहला बेलोड्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश का पहला बेलोड्रम जबलपुर में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के पहले मोबाइल थाने की शुरुआत की गई? तो देवास जिले में पहले मोबाइल थाने की शुरुआत की गई, और कब की गई? तो 2003 में। मध्य प्रदेश का प्रथम आवासीय खेल विद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो सीहोर में प्रथम आवासीय खेल विद्यालय स्थापित हुआ। प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है जहाँ सफ़ेद शेर पाए जाते हैं? तो प्रदेश का एकमात्र जिला रीवा है, जहाँ पर सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। घातक पशु बीमारियों के लिए वैक्सीन बनाने वाली प्रदेश की एकमात्र बायोलॉजिकल लैब कहाँ है? तो मऊ में प्रदेश की एकमात्र बायोलॉजिकल लैब है। प्रदेश का पहला पवन ऊर्जा फार्म किस जिले में स्थापित किया गया है? तो धार जिले के खेड़ा गांव की पहाड़ियों पर पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है।
मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल कहाँ है? तो होशंगाबाद में प्रदेश की एकमात्र महिला जेल है। प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ है? तो रीवा में प्रथम सैनिक स्कूल है। मध्य प्रदेश का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित है? तो ये चुटका गांव में प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित है। और चुटका गांव कहाँ है? तो ये मंडला में के अंतर्गत आता है।